पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, अब नहीं तो कब। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। दरअसल पीर पंजाल के दक्षिण के इलाके में जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अब आम लोगों का धैर्य भी खत्म होता जा रहा है। डोडा में सोमवार को हुई मुठभेड़ में सेना के एक युवा कप्तान समेत चार जवानों के बलिदान के बाद शहर में लोगों का जबरदस्त गुस्सा है और यह उबाल पर दिखा। जनता कह रही है पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाने का समय आ गया है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप याद कीजिए, पुलवामा में 2019 में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे और तब नरेंद्र मोदी सरकार ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की थी। लेकिन उसके बाद अभी 50 से ज्यादा जवान एक घटना में नहीं, लेकिन कभी चार, कभी पांच, कभी छह, कभी दो, कभी एक, लेकिन संख्या 50 हो गई है। क्या कर रही है केंद्र सरकार, भारतीय सेना को खुली छूट देने की बात हो रही है, एक बार फिर तोपखाना खोलने की बात हो रही है, क्योंकि यह कैसा सीज फायर जिसका फायदा पाकिस्तान की सेना को तो हो रहा है लेकिन पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को भारत के अंदर भेज रही है। एक बार फिर घर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग डोडा से उठ रही है। यह गुस्सा इस कारण सामने आया क्योंकि अब पानी एक बार फिर सर से ऊपर उठता जा रहा है। महज 78 दिनों में जम्मू में 11 आतंकी हमले, 78 दिन 11 आतंकी हमले, और बीते 3 वर्षों में कम से कम 50 से ज्यादा जवानों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। आखिर क्यों, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। क्या समय आ गया है कि पाकिस्तान में आतंकी कैंपों के खिलाफ एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की जाए, और चाहे यह तोपखाने से करे, चाहे मिसाइल से करे, चाहे लड़ाकू विमानों से करे, किसी भी तरह करे, लेकिन कब तक भारत सहेगा पाकिस्तान का यह आतंकवाद। जो सोमवार को मुठभेड़ हुई उसमें हमारे जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादियों ने डोडा के भाटा कला में कल रात 1 बजे जो मुठभेड़ हुई, सेना की सर्च पार्टी से मुठभेड़ के बाद आतंकी जंगल की ओर भाग गए। इस दौरान जो गांव के वीडीसी यानी विलेज डिफेंस कमिटी यानी ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों से भी इन आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई। गांव की रक्षा में तैनात वीडीसी सदस्यों की ओर से जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भाग निकले। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि आतंकी भागकर छिपते कहां है। माना पहला कांटेक्ट हुआ, पहले कांटेक्ट के बाद आतंकवादी भाग गए, लेकिन 24 नहीं तो 48 घंटे, 48 नहीं तो 72 घंटे में दूसरा कांटेक्ट होना चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी क्या कर रही है। डोडा शहर में सोमवार को मुठभेड़ के बाद जवानों की शहादत जब हुई तो ये तस्वीरें देखिए, लोगों में गुस्सा भरा पड़ा है। डोडा शहर के लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। इन लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार से मांग की है कि वीडीसी यानी आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए जो विलेज डिफेंस कमिटी है उसके सदस्यों को पुरानी 303 राइफल के बजाय अब सेमी ऑटोमेटिक हथियार दिए जाने चाहिए, उन्हें सेना के साथ जोड़ा जाना चाहिए, चाहे उन्हें होम और हर्थ बटालियन का भाग बनाया जाए। सेना जब भी आतंकवादियों की तलाश में जाए तो वीडीसी के सदस्य उनके साथ चले। इसके अलावा लोगों ने सेना से ऊपर के पहाड़ों में भी एक बार फिर, यह बड़ी बात है, पहाड़ों में एक बार फिर चाहे वो कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस हो, सीओबी हो, उसे लगाने की जरूरत है, या पुलिस अपना वहां पर अपना एक कैंप लगाए ताकि आतंकी वहां पनाह ना ले सके। साथ ही आतंकवादियों को जो लोग रास्ता दिखाते हैं, खाना पीना देते हैं, उन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। क्या गुस्सा है लोगों का, आइए हम आपको सुनवाते हैं। हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, जो ये पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है उसके लिए पाकिस्तान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खून का बदला खून से लेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान को हमने पुराना सर्जिकल स्ट्राइक याद करवानी पड़ेगी। खून का बदला खून से लेंगे। तुम खीर मांगोगे हम दूध देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। भारत माता की, ये 3-4 डिमांड रखना चाहता हूँ। जो हमारी वीडीसी, जो हमारे गाँव में वीडीसी है, कम से कम उनके वेपन्स अपग्रेड की जाए, उनके 303 उनके पास पड़ी हुई है, कम से कम उनको
SLR दी जाए, AK-47 दी जाए, हमारे इंडियन आर्मी के वेपन्स अपग्रेड किए जाए, और ये जो OGW है इन पे निगरानी रखो, उनको मैप कौन प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को मैप कौन दे रहा है, छतरकला पहुंच रहे, गुंदला पहुंच रहे, शियादार पहुंच रहे, देसा पहुंच रहे, उनको उनको नोमैड्स को पूछो, शेपर्ड्स को पूछो, उनकी हेल्प कौन किया कर रहा है, उनको पानी कौन प्रोवाइड कर रहा है।